हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम, जहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। रोहित भी, शिवा भैया जा रहे थे तो रोहित ने बोला हम भी साथ चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ और मुझे भूख लग रही थी। आप भी सोच रहे बच्चों वाली चीज़ खा रही हूँ मैं। इसको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। तो मैंने प्रेगनेंसी में भी बहुत खाई ये वाले पॉपकॉर्न और अब ये भी अच्छे लगते हैं। ये बटर वाले ना सॉल्ट भी है, इसमें अच्छे लगते हैं मुझे बहुत। और ये हमारे पीछे भाभी, इधर भाभी है। सो गाइस, भाभी का मेकअप मैंने किया आज, तो कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, एक बार दिखाओ। देखो लो गाइस, यार भाभी का भी किया है और अपना भी खुद का मेकअप भी उसने किया। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। हमारा प्लान था, यारोही का तो मैंने किया है। तो गाइस, हमारा जो प्लान था ना वो 1 बजे का निकलने का था और निकलते निकलते भी 3 बज चुके हैं हमारे। और अभी हम गुड़गांव में हैं, हम ऑलमोस्ट अभी दिखा रहे हैं 5:30 घंटे, बट आई थिंक हम पहुंच जाएंगे 8 बजे तक। आई थिंक हम पहुंच जाएंगे। ये आ गए शिव भाई। हाँ। शिव भाई लो चाबी रखो उसमें। सो गाइस, शिवा भैया जो है बहुत टाइम बाद हमारे घर ऐसे आए हैं, जो एक रात रुक गए, वरना तो हम इन्हें बुला बुला के थक जाते थे। हैं भैया, क्यों नहीं आते हमारे घर बताओ? टाइम कहाँ मिलता है अब, बट अब टाइम ही टाइम। अपनों के लिए तो भैया टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो निकाला ना। और बहुत मान्यताएं हैं खाटू श्याम जी की, कि वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमारे जितने भी काम रुके हुए होते हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। बस दिल से आपको मांगना है। बाकी हम जा रहे हैं तो हम अपने साथ साथ आपको भी दर्शन कराएंगे, जितना हो सके, जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे और बताएंगे ये कैसा है, कैसा वहाँ पर, कैसा लगता है वहाँ पर जाकर। मेन ये अगले साल इन दिन भैया ये स्कूल जाया करेगी। अब तो हो गई है ना 2 साल की। हाँ, 2 साल की हो गई है। 3 साल की का कराएंगे अब, इसको थोड़े पहले प्ले स्कूल में डालेंगे जब ये 2.5 साल की हो जाएगी तब। ये है ना भाभी, थोड़ा सा बोलना भी स्टार्ट कर देगी, कुछ बताने लग जाएगी 2.5 साल की हो जाएगी तब। मुझे तो बहुत जाने का मन था कितने टाइम से, फाइनली जा रही हूँ अभी। आप बताओ? मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ, मैंने तो नाम भी अभी सुना है। बहुत नाम है, बहुत नाम। अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ ना, जैसे मैं केदारनाथ भी गया हूँ, मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुकून मुझे मिला है वो मिला है वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी जाकर तो मुझे इतना सुकून मिलता है और मेरा इतना दिल है दोबारा जाने का। यारोही की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ 2 साल से, क्योंकि ये छोटी है, या तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा या इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अगर इसको लेके जाएंगे तो फिर मतलब ये परेशान कर देगी, ऐसी तैसी कर देगी हमारी। अरे छोटी सी बाइक में इतना परेशान कर रही थी, मुझे उतरना नहीं है। और हो सकता है हमारे से जल्दी ऊपर पहुंच जाए। जरूर, बहुत तेज भागती है। हाँ जरूर, ये कहेगी पापा हम तो, मैं तो दर्शन भी कर रही, आप यहीं हो अभी तक नीचे। स्पाइडरमैन है भाई, बच्ची भाभी। क्या हो गया भाभी भैया के साथ? मोय मोय हो गया भैया इनका। शिव भाई ने मेरे साथ मोय मोय कर दिया। मैंने कहा तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग केबल लिया, वो लिया है योशा के मोबाइल की। अरे अब आके देख रहे हैं यहाँ पे जब हम पेट्रोल पंप। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब वहाँ पर जितनी पेमेंट होंगे हम योशा के मोबाइल से करेंगे। पैसा बहुत है योशा के पास, योशा अगर अच्छा है ना अभी ये पेट्रोल पंप खरीद सकती है। लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहती, सॉरी। अभी करेगी फोन और ये पेट्रोल पंप मिलेगा। सही बात है, मोटा पैसा है, मोटा पैसा। आपकी जबान में घी, लड्डू, शक्कर, हर चीज हो जाओ, मैं इतनी अमीर। अभी हम आए हैं प्रिंस भाई से, प्रिंस भाई को लेने, क्योंकि प्रिंस भाई काफी बार खाटू श्याम गए, उन्हें सब पता है। और उनके साथ साथ हम कोशी भाई को भी लेने आए थे, लेकिन कोशी भाई फोन ही नहीं उठा रहे। कोशी भैया ने धोखा दे दिया हमें। देखना क्यों टेंशन में बेटा, क्या सोच रहे आप, क्या बात है? अरे कौन बैठा रहा कोई? तुम रो भाई, सुनाओ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ो फेंको आदमी यार तो कोसी। टैम पे गोली प्यागो। ये सामने देख लो भाई, जी वैगन जा रही है। मैं इसको वीडियोस में देखी है मैंने कई बार, लेकिन सामने से देखने से भाई इतनी चौड़ी लग रही है कार, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची भाई, खतरनाक लग रही है ना। यूसा कैसी लग रही है कार? हम जी वैगन के पीछे और शिव भाई डर रहे हैं। शिव भाई मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे वो कर रहे हैं। उसके लिए वो नहीं कर रहा, मैं रावरी का बहुत चिंता कर रहा हूं। एक जो कट और मार दो केड़े केड़े से। शिव भाई बैठेंगे नहीं, मैंने पहले बैठा है भैया के साथ। तो आप डर रहे हो शिव भाई, आपको लेके भी जाऊंगा और वापस लेके भी आऊंगा। परेशान कर रहे हैं, मैं यहीं उतर के ऑटो से घर जा रही हूं, आप जाओ भाई। चीज तो देखिए क्वालिटी से, लेडी भाई आ जाओ आप।
क्वालिटी मस्त है इसकी कैमरा नहीं एंड्रॉइड फोन में बोलते हैं इतनी क्वालिटी होती है इसमें तो ज्यादा है नहीं इसका सैमसंग का S24 अल्ट्रा के आप यहां साइड में रोक दो मैं पीछे बैठूं इसे लेके तो गाइस यार ये बहुत परेशान कर रही है और इस वजह से युष्रा को पीछे जाना पड़ रहा है ओ बाबी भाग क्या होगा क्या अरे भाई कहां रुकवाई है कीचड़ है ना हेलो आ जाओ हम बैठ जाओ आराम से गाइस बताओ गाइस कहां है कहां है ये तो लिप्स है लिप्स नोज लिप्स कहाँ है लिप्स टीथ बताओ अच्छा टीथ कहाँ है आलू के टीथ भैया देखो टीथ ये रहे इसके टीथ तो भी आपके साथ ब्रश किया इसने यच बेटा यच 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 कोल्ड ड्रिंक लेनी है कोल्ड ड्रिंक चाहिए कोल्ड ड्रिंक ले लो एक तो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए वैसे भी यार ट्रैफिक बहुत है बहुत ट्रक मिलते हैं रास्ते और शोर भी देखो ना यहाँ पे आपको भाई दुनिया भर के ट्रक मिलेंगे आते जाते आइसक्रीम ले लो भाभी के लिए ये देखो हरियाणा रोड गए इनका सफर ही अलग है भाई इनमें बैठ जाएंगे तो दो घंटे का सफर है भाई वो एक घंटे में कंप्लीट कर देगा गर्मी भाई यहाँ तो गर्मी है शायद रात को भी गर्मी रहती है ना रात भी ठंड रहती है सिंह देखो यार गाय के सिंह इतने बड़े चोंच वाले सिंह ने बहुत रात दिन में कहीं के भाभी खाना में मेल्ट हो रही है लो वो पता ऐसे लगा चेक चेकिंग चल रही थी यहाँ पे टूल पे अच्छा। उसी गाड़ी में 23 लाख रुपए कैश अच्छा। पुलिस वाले ने चेकिंग करी तो कैश मिल गए अब कैश मिल गए तो भाई क्या नाम है पपला गुजर की बात चल रही है गाइस यहाँ पर ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि हम पहुंच चुके हैं राजस्थान और यहीं पर टोल प्लाजा हमने जो क्रॉस किया था वहीं पर कुछ वारदात हुई थी जहाँ पर वो पकड़े गए थे भाई लोगों को पता ही होगा वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी इसमें पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा लिए थे आगे पीछे अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ तुम्हें और पैसे देता हूँ जो भी कुछ ऐसी बात थी तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है सामान लेके आ जाओ गड्डी लेके आ जाओ समझ गए उनके फंटर लोग जो भी थे तो भाई वो AK-47 लेके आए दो गाड़ी भर के भाई पूरे थाने पे KGF तरह चला दी अच्छा ले गए तो सभी को राम राम जो भी राजस्थान से देख रहे हैं और ये देखो अभी पीछे पहाड़ गए थे यार मैं पहाड़ दिखाना भूल गया पर एक चीज तो है भाई प्यार करना धोखा है भाई पपला गुजर भी प्यार में पड़ गए वहाँ पे हाँ उसी बंदी ने तो फंसाया था उनके बंदी ने वो सुपाई दे दी उसको यार सो गई यार अभी अभी बस तो यार और भाभी दोनों सो चुकी हैं ट्रैफिक कम हुआ है भाई अभी जैसे राजस्थान में एंटर किए हम तो यहाँ पर थोड़े से रोड भी सही है ये हरियाणा का बॉर्डर जो रेवाड़ी की तरफ पड़ता है ना यहाँ से तो भैया बहुत बुरा हाल है ट्रकों से देखो ट्रक को नाम ले फेरा भाई ट्रक ये रूट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई इतने ट्रक है ना इस पर इतने ट्रक है दिमाग खराब हो जाता है यार इनसे ओवरटेक करते करते ब्रेक मारते मारते यार यहाँ कहीं रोकते हैं अभी रास्ते में कुछ खा नहीं रखा तो इन्हें कुछ खिलाते हैं और मजा तब ये आपके ट्रिप का जब आप रुक रुक के जाओ पर अगर 20 पे 100 रुपए भी मार्जिन रखूं ना तो 10,000 रुपए में 10,000 उससे आराम से हो जाता तो गाइस ये देखो हमारे सामने कितना प्यारा सनसेट निकला हुआ है सनसेट मतलब होने जा रहा है और बिल्कुल साफ दिख रहा है ना तब इस टाइम में ट्रैवल करना अच्छा लगता है जो ये वाला टाइम हो रहा ना धूप ना ही रात की इवनिंग के टाइम अब टाइम बिल्कुल सही है ना हाँ बस हमें दर्शन अच्छे हो जाएं ये हो गया सनसेट तो भैया 2 घंटे 6 मिनट गाइस आपके लिए खुशखबरी आने वाली है बहुत ही जल्दी जो है शिव भाई हमें एक चाचा बनाने वाले हैं शिव भाई कितना टाइम लगेगा शिव भाई ऑन प्रोसेस है या आएगा तो पता चल जाएगा तो नेट स्लो चल रहा है तो गाइस बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है कृपा होगा तो सब एक एक मेंबर और ऐड होने वाला है बहुत जल्दी
अरे 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 गुड्डू आ जाओ आराम से, तुर जाओ बेटा यार। यही गाइस क्या खाओगे आप सब बताओ, मुझे इधर दे दो ये वाली चेयर। खाने में क्या क्या है वो तो भेज दो। अच्छा मैगी है अभी, पकौड़े भी, क्या क्या मिल जाएगा अभी? मैगी मिल जाएगी, सैंडविच मिल जाएगा, पकौड़े मिल जाएंगे, पकौड़े मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगा ब्रेड पकौड़े। मेकअप आज बड़ा है, बढ़िया कर रखा है तुमने अपना। भाभी का देखो कितना ग्लो कर रहा फेस। ओ भाई साहब है ना, ये खेल कैसा लग रहा है आपको? जेन्युइन रिव्यू देना है। युष्रा ने मेकअप किया है दोनों का, वो सही कर देती हूं। अपना कैसा लग रहा है आप, जेन्युइन रिव्यू दो। इसे गले वैसे ही मतलब उनके शाइनिंग में, हां ये रोशनी से दिख रहा है बदन पर शाइनिंग में, मतलब बिल्कुल बढ़िया आ रहा ना। मैगी आ रही है आपकी फेवरेट चीज। अरे मैगी तो गाइस एक बार युषा पूरा सीख जाए ना तो युषा कोर्स देगी और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर आप सबको मार्केट में अगर मार्केट में एक लाख रुपए में आप कोई कोर्स सीखोगे तो युषा कितने में सिखाएगी? 50% डिस्काउंट, 50% या उससे भी ज्यादा। एक बार सीख जाए अच्छी तरह, बिल्कुल बढ़िया, आप प्रॉपर सिखाएंगे, प्रॉपर क्लास देंगे। और एक बार प्रॉपर सीख जाए जाओ ना, मैं इंस्टा पे भी क्लास दिया करूंगी। हाँ और साथ में जैसे ही सीख जाएगी ना, आप सबको बुकिंग करानी है, सबको एक एक सबको अपना मेकअप कराना है। अब देख लो आपको एक रिजल्ट, आपको भी इसने कितना सीखा होगा, 30% आया होगा, 20% आया, 30% आया और 30% में आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। अभी तो इधर लाइट नहीं पड़ रही, देखो अब आप मुझे कमेंट में बताना कैसा मेकअप किया है। हस्बैंड से पूछते नहीं, कैसा लगा आपको रिव्यू दो आप। माधुरी दीक्षा का डायलॉग शिवा भैया को ना भाभी का फ्लश कम लग रहा था, फिर मैंने और किया था। अब देखो क्या क्या चलाने के लिए मैंने बोला ना बाइक का बहुत ज्यादा हो गया। हम तो कार में जाएंगे बेटा, बाइक से थोड़े जाना, हमें हम तो कार से आए हैं, हम बाइक से थोड़े ना आए हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो करो। बाय बाय बाय, चले जाए पापा, हट जाऊं। वही गाइस ये देखो आप कितने सारे बंदर यहाँ पर बैठे हैं ना, वो बुला रही बेटा आ गए ना, आप भी है ना, डरने वाली नहीं है ये सोच रही वाई वाई जैसे इनको एकदम जम मार लेगा ये कैमरा उठा। मंकी मंकी तो बहुत पसंद आ गई इनको, एक आधे घर लेके जाना पड़ेगा। बस हमने खा लिया एक खाना और यहाँ से अब दिखा रहे हैं यार हमें, मतलब जितना टाइम हमें वहाँ से चलने पे हुआ था ना, मतलब जितना हमने कवर किया था उतना ही हमने यहाँ पर कर लिया है, मतलब खाना खा लिया, आधा घंटा हमने यहाँ पर लगाया है। बट सही है, खाना मुझे बहुत अच्छा था भाई, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो युषा को टेस्ट नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो ना तो मुझे ब्रेड पकौड़े में टेस्ट आया, ना मुझे मैगी में, और ना ही मुझे आपने कड़ी पकौड़ा खाया उसमें, कड़ी कचौरी, कड़ी कचौरी और चाय में, चाय अच्छी लगी, चाय भी भाई हमें तो सारी, मुझे मैगी थोड़ी सी स्पाइसी लगी बट बाकी कड़ी पकौड़ा भी मस्त था और मैगी भी सही थी। पकौड़ा मैंने खाया नहीं, पकौड़ा कैसे था? पकौड़ा नहीं था भाई, मतलब मजा नहीं आया ना भैया, ऐसा लग रहा है मैं तेल तेल खा रहा हूँ। पकोड़ा कौन सा? एक पकोड़ा कड़ी वाला या? अरे वो ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा वो तो मैंने कड़ी वाले में तो तुम्हारे में से फर्क पड़ गया बनाने में। भाभी मम्मी से मिली, भाभी कम 10 मिनट बैठे हो मम्मी के पास, 10-20 मिनट। मम्मी ने एक नजर में बोल दी भाई बंदी एक नंबर की है, मतलब भाऊ एक नंबर की, मतलब मैं बता रहा हूँ वैसे, मतलब ये तो है इज्जत, ना कोई घमंड, ना कोई एटीट्यूड, ना कोई ईगो। देखो भैया हाँ। हम भी तो नॉर्मल ही इंसान है जैसे सब हैं। एकदम ब्रेक लगता है ना, फिर झटका लगता है, पता चल रहा है 140 है, पता
रोहित हल्की कर लो, जब ब्रेक लगते है ना फिर पता चलता है, पहुंचने वाली है हम अभी, बस 25 मिनट है। अभी बताओ पापा ने कैसे गाड़ी चलाया? ये क्या कह रहे हैं भैया, ड्राइवर को पता रहता है मैंने इतनी देर से नहीं चलाया, मतलब इन्होंने मान लिया माय ड्राइवर है। मुझे तो मैं चला लूंगी भाभी, भगवान के दर्शन करने, भगवान दूर न जानो। तो देखो तो मैं कितने अच्छे दर्शन करवा दूंगी सारे पापों से मोक्ष की प्राप्ति। सजाई दिलवा के रहने में बस, शुभ शुभ बात करो, क्या क्या बोल रहे हैं। तो वैसे देखो हम पता नहीं कौन से रास्ते, भाई वहाँ से रास्ता बनता है गूगल मैप्स के भरोसे आए ना, तो यही हाल होता है। वो तो हमारे सामने एक बंदा बैठा है जिसको थोड़ा बहुत पता है। चलो ये तो अब आ गए, अब इधर से सीधा ही है ना ये तो, ये वैसे ही रास्ता था ये बनता, ये बहुत ही सुनसान था रास्ता भाई, पीछे जितने भी लोग बैठे हैं सब डर गए थे। लाइट खोल अपनी, आप जंगल की तरफ ले जा रहे हैं भी रास्ता पर, ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है, सामने वाला था ना वो दूसरा वाला, अगर उसे आप चले भी जाओ ना, कोई अकेला बंदा हो ना वो वैसे ही घबरा के मर जाए गाड़ी में। वहाँ पे घर भी नहीं है, दूर दूर तक घर भी नहीं है, ऐसे रास्ता खाली, वहाँ पे वहाँ पे पुलिस डोलती सेफ्टी के लिए। डर है शिव भाई, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव भाई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मुझे उनकी याद आ गई, राहुल भैया की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, नहीं उसके उनके क्या नाम है, राहुल भैया से दीपक भैया, दीपक भैया तो भाई साहब जब डरा दिया था, प्रैंक किया था। अभी तक हम हाईवे में थे, अब शायद हम अंदर गांव में से कहीं कहीं से निकल रहा है रास्ता, हम जाएंगे शाहपुर के पास जाएंगे। अब शाहपुर का फ्लाईओवर बन रहा है, यू टर्न बंद कर दिया वो, उसके क्या होगा। अभी देखो ऐसा कुछ रास्ता है, अब यहाँ पर बहुत ही कम ट्रैफिक है और गड्ढे भी हैं बहुत सारे, ठीक है जब गए ये बोलो यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, लोग ही नहीं है ट्रैफिक कहाँ से है, यहाँ तो घर भी बने हुए हैं ना सब अंदर है अपने घर में, गांव में तो ऐसे ही होता है 7 बजे तक सारे अंदर जाके सो जाते हैं, मतलब खाना खुना खा के सोता तो कोई भी नहीं, जागते रहते होंगे टीवी भी देख लेते होंगे, ये है यहाँ जगह ही कहाँ है घूमने का, सही बात है कहाँ जाएंगे। लेकिन ये अगर दिन में आते ना इस रास्ते पे तो बहुत अच्छा लगता, खाली खाली लगता सारा, खाली खाली सारी, क्योंकि यहाँ पर खेत नहीं है, यहाँ आपको पूरे सारे ग्राउंड ही दिखते, यहाँ तो वैसे अगर